हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप भी कंफ्यूज रहते हो एंड आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है तो यह वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। इस वीडियो में आप समझ पाओगे कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो सबसे सेफ कहाँ पर है एंड सबसे अच्छे रिटर्न आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। अब आप सोच रहे होगे कि निफ्टी 50 सबसे सेफेस्ट कैसे है, स्टॉक मार्केट में क्या उससे अच्छे नहीं मिलेंगे या फिर स्टॉक मार्केट उससे सेफ नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाऊंगा कि आखिर स्टॉक मार्केट की बजाय निफ्टी 50 सबसे सेफेस्ट क्यों है। तो यहां पर मैं आपको यस बैंक का एक शेयर ओपन करके दिखा देता हूं एंड यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक टाइम पे शेयर की प्राइसिंग जो थी वो 350 यानी कि 350 रुपए से भी ऊपर थी एंड आज के टाइम में आप इस शेयर की प्राइस देखोगे तो 17 रुपए बची है। तो आप खुद भी सोच के देखो कि आखिर इस शेयर ने क्या ग्रोथ करके रखी हुई है, कितना इसका आप अगर करोगे तो रिटर्न कितना मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 92% माइनस में रिटर्न इसने दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं स्टॉक मार्केट में। अब सबसे मेन बात कि निफ्टी 50 में इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसकी सबसे खास बात क्या है, इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी रहती हैं। ये चीज़ें तो आपको मालूम होगी, लेकिन क्या होगा अगर उन्हीं टॉप 50 कंपनीज में से कोई एक कंपनी ऐसी होती है जिसका शेयर कुछ इसी तरह से डाउन हो जाए तो क्या निफ्टी 50 फंड में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो भी डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में 300 रुपये से 10 रुपये पे आ जाए, वो धीमे धीमे ही गिरता है, उसकी परफॉर्मेंस धीमे धीमे लूज होती है। बस उसी परफॉर्मेंस की बेसिस पे उसको निफ्टी 50 में रखा जाता है एंड हटाया जाता है। जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस बेकार होगी तो जो 51 नंबर पे जो कंपनी होगी ना उसको निफ्टी 50 में कर दिया जाएगा एंड जिसकी परफॉर्मेंस खराब थी उसको बाहर कर दिया जाएगा इस इंडेक्स से। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है ना वो बहुत ही सेफ हो जाता है एंड निफ्टी 50 इंडेक्स की जब भी परफॉर्मेंस एकदम ख़राब होगी ना तो आपको ये समझना चाहिए कि उस समय इंडिया की इकोनॉमी ख़राब चल रही है, मतलब आपकी इनकम में पर भी इफेक्ट पड़ेगा एंड हर एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा जिसको आप चाहकर भी नहीं रोक पाओगे। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही रहता है, इससे ज़्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ता है, जबकि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक्सपेंस रेशियो 0.19% 0.20% कुछ इस तरह से अपना एक्सपेंस रेशियो होता है, वहीं पे म्यूचुअल फंड में आपका 1-1.5% का एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। स्टॉक मार्केट में आपको कितना बड़ा डर होगा ये मैंने आपको दिखा दिया कि कहाँ पर शेयर की प्राइसिंग कितनी ऊपर जा सकती है एंड उसके बावजूद कितना डाउन आ सकता है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं आपको एक बार चार्ट भी इसका ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर लॉन्ग टर्म में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखते हो तो लगभग आपको 15% से भी ऊपर के रिटर्न देखते हुए मिल जाते हैं अगर आप 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू डाउन भी हो सकती है। तो मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। मैं एसआईपी की बात करता हूँ, अगर आप यहाँ पर एसआईपी भी करते हो, मैं मान के चलता हूँ अगर आप 5,000 या फिर 3,000 कुछ इस तरह से एसआईपी अपनी शुरू कर देते हो, मैं 5,000 का लेकर चलता हूँ एंड 15% आप जो भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो मिल रहा है वो 15% का मिल रहा है एंड टाइम पीरियड कम से कम आपको 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कितना करोगे एंड रिटर्न कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप जो है 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे एंड रिटर्न जो मिलेगा वो 63 लाख रुपए होगा। तो इस तरह का डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एंड इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो एसआईपी में आपको कुछ इस तरह के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं एंड इस तरह से आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेफ रख सकते हो। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको रिटर्न किस हिसाब से मिलते हैं। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।